बिजली की कीमतों में यकम जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने IMF को बिजली टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तहकीन का तहफ़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुजाकरात की कामयाबी पर 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। हुकूमत का IMF के मुतालबे पर ज़िमनी बजट लाने और परचून पर टैक्स लगाने से गुरेज। FBR की IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपये के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी। लेकिन अगले इजलास में परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की स्कीम से मुतालिक हुकूमती इरादों से आगाह करना होगा। IMF की पंजाब की माली हैसियत पर भी तनकीद। कहा सूबा मतलूबा आमदन इकट्ठी करने और अपने बेलगाम अखराजात को लगाम डालने में नाकाम रहा है। पंजाब के टैक्स जमा करने के इख्तियारात FBR को सौंपे जाने की तजवीज पर भी गौर। कर्ज की अदायगी और बढ़ते हुए दीगर अखराजात पर भी IMF का तशवीश का इजहार। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक अखराजात बढ़ने से बजट खसारे का तयशुदा हदफ भी बढ़ रहा है, जो नजरसानी के बाद GDP के 7.9% तक पहुंच सकता है। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम करने का फैसला। PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेता है और PTI को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो दोनों पार्टियों को जम किया जा सकता है। असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हमारा मुतालबा मानने की सूरत में दोनों जमातें जम होकर PTI बन सकती हैं। जबकि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सीनियर तजियाकार कंवर दिलचाद का कहना है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करते हुए इन्हें इंतखाबी निशान वापस भी करता है तो पार्टी तहरीक इंसाफ के नाम से अलग ही रहेगी, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जम नहीं हो सकती। से 202 और 215 के तहत वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर वो किसी पार्टी में जम नहीं हो सकते। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो उनकी मंजूरी और उनके बहुत लाजमी होगी। लेकिन वो भी बादी नजर में ऐसा नजर नहीं आ रहा कि दो पार्टी जम होके और दोबारा तहरीक इंसाफ में वो जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए आईनी रुकावटें भी हैं और कानूनी रुकावटें भी हैं। बानी PTI ने MWM के साथ इतिहाद का फैसला किया था, मगर अगले दिन इतिहाद का फैसला तब्दील हुआ। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, कुछ लोग अडियाला जेल में बानी PTI से मिले और सुन्नी इतिहाद काउंसिल से इतिहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर की शेर अफजल मरवत के मौकफ की तायद। कहा कि बानी PTI से पूछा तो जवाब मिला कि मैंने फैसला तब्दील नहीं किया था। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इतिहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहाँ कोई बहस ही ना हो। शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहबजादा हामिद रजा का सख्त जवाब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। हुकूमत ने आज से डीजल, लाई डीजल, ऑयल और मट्टी का तेल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 279.75 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 1.77 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 285.56 रुपये फी लीटर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 1.35 रुपये फी लीटर कमी की गई, जबकि लाई डीजल ऑयल की कीमत में 2.12 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमत भी कम करने का मुतालबा।
रमजान मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में बदस्तूर इजाफा जारी। इदारे शुमारियात का कहना है कि 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की सालाना शरह 32.89% रही। पिछले साल की नस्बत टमाटर 185% जबकि प्याज 90% महंगी हुई। गुज़श्ता बरस की नस्बत गंदम का आटा 52% तक महंगा हुआ। आवाम का अशिया जरूरिया समेत फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। कहा, रमजान बचत बाजारों के क्याम के बावजूद कीमतों में कमी नहीं की जा रही। दो अप्रैल को होने वाले सैनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने परवेज़ रशीद, नासिर बट और तलाल चौधरी को भी सैनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। तलाल चौधरी कहते हैं, पार्टी का मशकूर हूँ, अपनी वफादारी और कारकर्दगी से पार्टी के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद के पैगामात पर शुक्रिया अदा करते हुए सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतजर हैं। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे तारीखी और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत झींगे की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदामात पर इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे में एक्वाकल्चर श्रिम्प फार्मिंग के लिए पुरअज़्म हैं। मरियम नवाज पंजाब को श्रिम्प्स फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। छोटे किसानों को सहूलियात देना और मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है। फिश फार्मिंग में फ्रोजन सिस्टम में जिद्दत ट्रेनिंग्स और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मुतारिफ कराया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आला सतह वफ्द का दौरे पाकिस्तान के हवाले से खबरें जाली हैं। दफ्तर खारजा की तरदीद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई अहदेदार इस वक्त पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा, ना ही मुस्तकबिल करीब में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोई पॉलिसी बातचीत का मंसूबा है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने फरवरी 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिस पर वजारत खारजा ने मीडिया को ब्रीफिंग जारी की। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत करने के लिए एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा अडियाला जेल पहुंच गए। बुशा बीबी को भी सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आज नैब के मजीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। नून लीग के ऑफिस में जलाओ घेराव का केस। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान समेत दीगर ने इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया गया। मोनिस सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मोनिस सिलाही के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के फैमिली कोर्ट ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने फैसले में लिखा कि दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर पहली बीवी से तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। पाकिस्तान का पुरअमन उरूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्ला अफवाज की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत मुसल्ला अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार वसाइल देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान के साथ दौरा GHQ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने शहदा की यादगार पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत
हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और खतरा से निमटने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। सिविलियन और फौजी क़यादत ने कौमी मफादात को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। बहरीन के कमांडर ऑफ नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी तआवुन को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग में तआवुन की अहमियत पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने यूनान के करीब कश्ती हादसे और लीबिया वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का कहना है, इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलव्वस अनासिर की जगह जेल है। शेन वाटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आ गए। शेन वाटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक PCB ने शेन वाटसन से कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। PCB ज़राए के मुताबिक शेन वाटसन के मुआवजे से मुतालिक खबरों में भी सदाकत नहीं। शेन वाटसन PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर तेज रफ्तार कार उलट गई। कार सवार जांबहक लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कार को लिफ्टर के जरिए सड़क से हटा दिया गया। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दहाड़े खवातीन से मोबाइल फोन छीनने वाले राहजनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान ने चंद रोज कबल खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। मुलजमान की खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आई थी। मुल्क में टैक्स चोरी के बड़े गिरोह का सरगना कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ रजाक दिनार टैक्स चोरी के वसी नेटवर्क का सरगना और मास्टरमाइंड है। मुलजिम जाली कंपनीज की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड में मुलविस है। मुलजिम का गिरोह अरबों रुपये के टैक्स रेवेन्यू की चोरी के लिए जाली रसीदें तैयार करता है। केश के इलाके तंप में लेवीज का ऑपरेशन, दो इश्तिहारी मुलजमान हलाक। DC केश के मुताबिक इश्तिहारी मुलजमान ने लेवीज अहलकारों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुलजमान मारे गए। कराची सुपर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स का लूटमार की बढ़ती वारदातों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। गडाप थाने के सामने सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद एहतजाज की वजह से सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। बाद में एहतजाज खत्म कर दिया गया। सरमाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तश्वीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की पाकिस्तानियों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। LPG की कीमत में 30 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने नए इजाफे को LPG कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टर्स का गठजोड़ करार दे दिया। इरफान खोखर ने कहा कि ओखरा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार 30 रुपये किलो फी
30 रुपए फी किलो का बिला जवाज इजाफा किया गया। इरफान खोखर ने कहा, LPG की सरकारी कीमत 257 रुपए फी किलो है, जबकि ये लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपए फी किलो में फरोख की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में LPG 410 रुपए फी किलो तक फरोख की जा रही है। सऊदी शहर हायल रीजन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, सहराई इलाके हायल में बड़ी शाहराओं पर जालाबारी के बायस हर सू सफेदी छा गई, मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीरी वफद का मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। UNHRC के 55वें इजलास में शिरकत के मौके पर जिनेवा में एहतजाज किया गया। मुजाहरे में इंसानी हकूक के नुमाइंदों और कानूनी माहरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफद का कहना था, भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को यकतरफा इकदाम का जवाबदेह ठहराने के लिए इकदाम करे। हमास ने गजा जंगबंदी से मुतालिक तजावीज सालिस को पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कैदियों के बदले यरगमालियों की रिहाई के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की तारीख तय की जाएगी। पहले मरहले के बाद गजा से इसराइली फौज के इनखला की डेडलाइन पर भी इतफाक किया जाएगा। यमन के हौसियों का इसराइली बहरी जहाज़ों को मजीद बहरी रास्तों से गुजारने से रोकने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हौसियों ने यमन से 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल खलीज अदन और 2 मिज़ाइल बुहेरा अहमर की तरफ फायर किए, तहम इतिहाद का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में 9 एंटी शिप मिज़ाइल और 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। अमरीकी सदर की जानिब से रूसी हमनसब की दोबारा तौहीन, जो बाइडेन ने एक तकरीब से खिताब में व्लादिमिर पुतिन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर रूसी हमनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं, जबकि रूसी सदर पुतिन ने माजी के जुबानी हमलों पर जो बाइडेन को कभी सख्त जवाब नहीं दिया, बल्कि वो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर बाइडेन को दराजी उम्र की दुआएं देते रहे हैं। पुतिन का मौकिफ है कि बाइडेन ट्रंप से बेहतर हैं, क्योंकि उनके बारे में पेशगोई मुमकिन है। और बाबर आजम की जलमी या शादाब खान की यूनाइटेड, HPL PSL सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर जलमी से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी।